अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आज हम बात करेंगे एज ए प्रोफेशनल वेब डेवलपर आप कैसे बन सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है इस कोर्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें आपको पहले आनी चाहिए, वो चीज़ें तमाम इस कोर्स के अंदर बताऊंगा मैं आपको। बेसिकली आज मैं आप जिस कोर्स की बात करने जा रहा हूँ वो है PHP कोर्स। PHP एक लैंग्वेज है। डेवलपर बनने के लिए सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बनाना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स आना चाहिए जिसके अंदर HTML, CSS और jQuery शामिल है कि आप एक स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं। उसके बाद आपको HTML5 और CSS3 का भी नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स तैयार कर सकें। उसके बाद बारी आ गई कि हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहते हैं या वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है उसका नाम है PHP। PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। उसमें क्या चीज़ शामिल है कि ये एक सर्वर बेस्ड लैंग्वेज है। इसके साथ एक लोकल होस्ट चलता है जिसके साथ ये कनेक्ट होती है और कनेक्ट होने के बाद आप उसके ऊपर कोई भी डाटा बेस क्रिएट कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर हम आपको क्या सिखाएंगे, अगर आपको HTML, CSS यानी वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स आता है और आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो इस कोर्स में क्या चीज़ें शामिल हैं। PHP में सबसे पहले आपको सर्वर की कनेक्टिविटी सिखाएंगे, साथ XAMPP या WAMP जो भी सर्वर यूज़ होता है उसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है, कनेक्ट कैसे करना है। उसके बाद 15 से 20 दिन आपको बेसिक्स कमांड्स सिखाई जाएंगी जैसे इको, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, बुलियंस, इफ, एल्स और उसके अलावा अदर फंक्शंस बहुत सारे हैं जो एग्जांपल के साथ आपको प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे PHP लैंग्वेज कोर्स के अंदर। उन करवाने के बाद फिर आपको मुख्तलिफ किस्म के 10 से 12 किस्म के डेटाबेस बनवाए जाएंगे कि आपने PHP के साथ PHP लैंग्वेज के अंदर डेटाबेस कैसे क्रिएट करने हैं, जैसे कि आपको लॉगिन सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि आपको रिजल्ट सर्च सिस्टम बनाते हैं, जिससे आपको आप स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं, ऑल एक्स्ट्रा क्लासिफाइड वेबसाइट टाइप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं या आप सोशल मीडिया टाइप मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो आप किस तरह का कोई भी कस्टम मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं वो आपको उस बेसिक लैंग्वेज सीखने के बाद आप इस लेवल तक जा सकते हैं कि आप अब एक कोई भी डेटाबेस क्रिएट कर सके। नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आप इस कोर्स करने के बाद आप किस लेवल तक की ट्रेनिंग लेने के बाद आप किस लेवल स्टेज पे होंगे, तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि आप इस स्टेज पे होंगे कि आप एक डायनामिकली वेबसाइट बना सकते हैं और किसी को बता सकते हैं कि मैं एज ए वेब डेवलपर हूँ। आप एज ए वेब डेवलपमेंट के तौर पर जॉब भी हासिल कर सकते हैं जिसके आपको 80% चांसेस होते हैं कि एज ए वेब डेवलपर आप जॉब कर सकते हैं। मस्ट की बी के हमारे यहाँ एक्सपीरियंस काउंट होता है तो उसके लिए आप इंटर्नशिप मेरा मशवरा ज़रूर करें किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में किसी प्रोफेशनल के साथ बैठ के कि मज़ीद कस्टम डेटाबेसिस किस तरह तैयार किए जाते हैं। तो वेब इस PHP कोर्स के अंदर आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई कि हमने इस कोर्स में आपको क्या कुछ करवाना है और इस कम्प्लीट कोर्स का ड्यूरेशन तकरीबन 2 मंथ है और इसमें 5 days a week क्लास होती है। डेली 2 से 3 घंटे क्लास का टाइम दिया जाता है, उसमें एक्स्ट्रा टाइम भी आपको दिया जाता है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें यहाँ बैठ के और कोई भी आंसर क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो आप ऐसे टीचर से पूछ सकें कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट www.pkinstitute.com.pk विजिट कर सकते हैं या आप हमारा ऑफिस 6 रोड पे पीके इंस्टीट्यूट के नाम से है, मैर प्लाजा 3rd फ्लोर पे, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। लास्ट में आपको ये बताना चाहूँगा इस PHP कोर्स करने का बेनिफिट ये है कि आपको 80% चांस बढ़ जाते हैं आपको जॉब करने की। जॉब हासिल कैसे की जा सकती है ये भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जॉब हासिल करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है, rosie.pk पे जाके आप अपनी CV सबमिट करें, आपको 80-90% चांस है कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। प्लस अगर आप OLX पे एड्स देखते हैं तो OLX से भी आपको 100% गारंटी होती है जॉब्स की। उसके अलावा आप जंक संडे रावलपिंडी का है तो रावलपिंडी, अगर लाहौर का है तो लाहौर, तो वो आप जंक संडे को भी फॉलो करें तो उसके ऊपर जो भी जॉब्स आई होती हैं डेवलपर या किसी भी रेलिवेंट वो ऑथेंटिक होती हैं।
ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो लास्ट में आपको बताऊँगा कि आप आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे या आप पोस्ट करना चाहते हैं वो तो आप रब्ता कर सकते हैं। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपका कुछ सवाल है तो हम आपको उसमें लाइव डिस्कशन में आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, लर्न ऑनलाइन स्कूल के नाम से है। थैंक यू वेरी मच।